दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव सुख दुख की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियों और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है, इससे बच नहीं सकते। दुख जीवन का एक अपरियाय हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए। लेकिन इससे निपटने से पहले दर्द की प्रकृति को समझना चाहिए। जीवन में कई तरह से दर्द का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी इसे इसका सामना करने के लिए पहले उस दर्द की पहचान करना चाहिए जो अनुभव कर रहे हैं। पहला, अधिभौतिक पीड़ा। अधिभौतिक पीड़ा वह पीड़ा है जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है, या परिवार का सदस्य जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके पास नहीं है। यहाँ तक कि बीमारी या जानवरों का या कीटों द्वारा लाए गए रोग भी परेशान कर रहे हैं। ये सभी अधिभौतिक का हिस्सा होता है। दूसरा, अधिदैविक पीड़ा। अधिदैविक पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है, या ऐसी पीड़ा है जिसके पीछे छिपी वजहों को पहचानना समझ से परे है। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को अथाह पीड़ा पहुंचाती है। यह अदैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। तीसरा, आध्यात्मिक पीड़ा। आध्यात्मिक पीड़ा जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण है। यह हमारी लाई हुई पीड़ा है। यह मन और शरीर के ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलताओं और अक्षमताओं की ओर ले जाती है, जो काफ़ी परेशान करने वाली हो सकती है। बहुत से लोगों में भरोसे, सहनशीलता और मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति की कमी होती है, क्योंकि उनमें शांति प्राप्त करने का प्रबल आध्यात्मिक इच्छा नहीं होती है। एक बार जब दर्द का कारण ढूंढ लेते हैं तो हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तीन कारणों में से कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के दर्द से निपटने के लिए पहला कदम डिटैचमेंट है, यानी पीड़ा से अलग हटकर साक्षी भाव से देखिए। अहंकार और सांसारिक आकांक्षाएँ आध्यात्मिक दुख का प्राथमिक कारण होता है। किसी चीज़ को इतना चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं, इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने तक चले जाते हैं। जब भी ऐसी पीड़ा हो तो खुद से कहिए, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य विकसित करना होगा। हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप में शामिल न होने दें। काम करें और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावनात्मक रूप से अटैचमेंट न रखें। किसी भी परिस्थिति या उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा न सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हुई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। बोलो जय श्री कृष्णा।